प्रदेश 2017 के पहले का है और आज मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी माननीय सदस्यों को कि आपने ऑपरेशन कायाकल्प में एक विद्यालय को गोद लेकर के उसके रिनोवेशन की कार्रवाई की और आज उत्तर प्रदेश में 1,20,000 स्कूलों को हम लोगों ने रिनोवेशन करके फ्लोरिंग को ठीक करने का काम किया, बच्चों को फर्नीचर दिया। हमारी सरकार पिछले 6 वर्ष से लगातार बेसिक शिक्षा परिषद में जो पहले 1,34,00,000 बच्चे पढ़ते थे, आज 1,34,00,000 बच्चे से बढ़कर के 1,91,00,000 बच्चे आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री, 2 यूनिफॉर्म फ्री, बैग फ्री, बुक्स फ्री, जूता मोजा फ्री, स्वेटर फ्री, मिड डे मील की क्वालिटी सुधारी गई है। 1,91,00,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, किसी जाति किसी मत और मजहब के साथ मत जोड़ो इन बच्चों को। जब इन बच्चों की हक को हड़प करके दुनिया में अपने संसाधन बढ़ाने का काम करते थे तब क्या जाति नजर नहीं आती थी? क्या तब इन्हें जाति नजर नहीं आती थी? बच्चियां ज्यादातर ऐसी थी जो बेटियां हैं वे नंगे पैर स्कूल जाती थी। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 1,200 रुपए हर बच्चे के अकाउंट में जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। अभिभावक को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि नहीं, उन बच्चों के लिए जूता मोजा समय पर खरीद करके स्कूल भेजो। इस संख्या बढ़ी है। ऑपरेशन कायाकल्प के बाद ये सुविधा आज डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बजट में पैसा दिया गया। हर गांव और हर वार्ड में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होगा, बजट में इसका प्रावधान किया गया है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत उन बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय बनेंगे, बहुत अच्छे विद्यालय बनने जा रहे हैं। अभी तो 18 अटल आवासीय विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं, इसी सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे, कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन बच्चों को, अन्य अनाथ बच्चों को स्कूलों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग उत्तम शिक्षा देने जा रहे हैं और इस सरकार पूरा खर्चा उन बच्चों को देगी। लॉजिंग फूडिंग की सारी सुविधा उन बच्चों के लिए, हमने तो किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मजहब नहीं देखा। हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके भविष्य को अच्छा बनाना हमारा दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं और हमारी सरकार इसको कर रही है। इसको हर विकास खंड स्तर पर, हर न्याय पंचायत स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के गवर्नमेंट विद्यालयों के साथ साथ शासकीय सहायता प्राप्त निजी प्रबंधन के विद्यालयों को भी उनके रिनोवेशन के लिए, नई बिल्डिंग के लिए हम पैसा देना चाहते हैं और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। और यही नहीं, उनके संस्कार होंगे, अपनी विरासत को कोसेंगे, कोस नहीं रहे हैं। भगवान राम तक को नहीं दर्शन होंगे और मध्यकाल के महान संत तुलसीदास जी को इस प्रकार की टिप्पणी दी गई। तुलसीदास जी की विरासत को देश और दुनिया आकर्षित होती है और तुलसीदास जी के साथ जुड़ाई है। बेचारे जब रामचरित मानस लिखना प्रारंभ किया था पोथी चोरी हो जाती थी, लेकिन समस्या देने वाला की हस्ती कितनी बड़ी क्यों ना हो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, कुछ नहीं कर सकता कोई। महाकाव्य दे दिया रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस मध्यकाल में भारत का मार्गदर्शन करने वाला, गुणानी की बेड़ियों से मुक्त करने वाला, उस कालखंड में उनको भी अकबर के दरबार में बुलाया गया था, उन्हें जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो एक ही राजा है, वो राम है, राम के सिवाय किसी को मैं राजा नहीं मानता। रामचरितमानस के माध्यम से पूरे तोड़ने का
पिछले सप्ताह एक शादी विवाह के कार्यक्रम में भाग ली, वहां के समारोह में जाने का मैं अवसर मिला था। सब लोग से जब मैं पहुंचा उसी समय वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था, ठीक वही गाना बज रहा था जो रामचरित्र मानस में जनकपुर में उस समय का दृश्य होता है। लोगों के मन में भाव पैदा हुआ है, ये कौन लोग हैं जो विरासत को अपमानित कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, और इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राम को कोसा था, जनता ने उनको कहां पहुंचा दिया, ये भी सब लोग जानते हैं। और जो लोग कहते थे प्रेता में पर नहीं मार सकता, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया। जनवरी 2014 में जब रामलला अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे, पूरा भारत की पूरी दुनिया गौरवान्वित होगी, विरासत का सम्मान करेगी। राम की विरासत हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और हमारे हमने तय किया है संस्कृत विद्यालयों के रिनोवेशन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है, और संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार देगी, स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी देगी। रोहित कल्याण रोड का निर्माण गठन तो हम कर ही रहे हैं, सारी उसकी कार्य योजना चल रही है। अच्छा होता विरोधी दल के नेतागण यहां पर इस मुद्दे पे चर्चा करते, लेकिन विभाग गए, हमने पैसे की व्यवस्था की और पैसे की व्यवस्था के माध्यम से कर रहे। उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए पिछली बार 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़। इस बार 3 नए विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में उपलब्ध कराए गए, जो 3 असेवी कविस्तरी थी, मां विंध्यवासिनी का नाम मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी का नाम भेलपाटन मंडल और मुरादाबाद। इन 3 कविस्तरी में हम एक नया विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। बजट का प्रावधान इस बजट में कर दिया गया। फार्मा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के समकक्ष एक नया इंस्टीट्यूट हम गठित करेंगे, जो प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर की उपलब्धियों को लेकर के जाएगा, जो यहां पे फार्मा सेक्टर में ढेर सारी संभावनाओं का, क्योंकि सबसे बड़ा श्रम बाजार अगर यूपी है, यूपी सबसे बड़ा बाजार है, तो यूपी फार्मा का भी सबसे बड़ा हब बनेगा, और इसके लिए फार्मा पार्क के साथ साथ कार्यक्रमों को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन में प्रधानमंत्री कौशल विकास के साथ साथ अभी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एक एमओयू वोकेशनल एजुकेशन ने किया, टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक प्रोजेक्ट है। न्यू एज ट्रेड्स उसमें विकसित किए जाएंगे, यूपी के नौजवानों को उन ट्रेड के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी, और जॉब की गारंटी टाटा की कंपनियां ही उन्हें दे देगी। 35,000 नौजवान हर साल वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, यह काम इसी वर्ष से हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एमओयू पूरा हो चुका है, यह कार्य भी आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 88% शेयर टाटा की कंपनियां देंगी और 12% मात्र राज्य सरकार को देना है। 10 वर्षों तक चलेगा, इन 150 ITI के माध्यम से ही हम लोग 3.5 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उन्हें जॉब की गारंटी के उसके माध्यम से ले पाएंगे, और स्तर पर शेष अन्य ITI को भी आगे विकसित करने का काम करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन में भी न्यू एज कोर्सेज को हम लाने का प्रयास करें, जो टेक्नोलॉजीज का है, नए नए इनोवेशन के लिए हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। बहुत सारी चीजों को हम उसके साथ आगे बढ़ाने का, एक उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लगातार ये कार्यक्रम हमारे जहां आगे बढ़ाने के कार्य चल रहे हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन में चल रहा है, उच्च शिक्षा में बेहतर कार्य हुआ है, और एक दूसरा सेक्टर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के सेक्टर में भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अच्छी प्रगति की है, उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रोग्रेस इस दिशा में की है, और ये प्रोग्रेस किस हद तक की प्रोग्रेस है, COVID-19 आज लगभग समाप्त सा हो गया है, और हम देख सकते हैं कि यहां पर आज कोरोना महामारी की स्थिति
लगभग लगभग समाप्ति की कगार पर है। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या दी, जननी सुरक्षा योजना में 75 करोड़ रुपए की घोटाला की, उस समय कुछ क्रीपिंग हुआ करती थी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ईएमएस आज प्रदेश के अंदर 500 काम कर रही है, लेकिन 2017 के पहले भारत सरकार सपोर्ट करना चाहती थी, फ्री में देना चाहती थी उत्तर प्रदेश को, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे लेने से इनकार कर दिया। आप सोचिए लाखों लोगों की जान बची है इन लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस के माध्यम से। कोरोना कालखंड में ये नया जीवन दान दे रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसकी चिंता नहीं। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। महोदय, आज 6 करोड़ से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हुए हैं और शेष उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें कवर कर रही। 10 करोड़ लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख लेकिन इससे पहले सुविधा नहीं। राजकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा 2017 के पहले नहीं थी, आज सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। बजट में भी इसकी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला यानी मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से 2020 में हम लोगों ने फरवरी 2020 में प्रारंभ किया था। अब तक 11 करोड़ 72 लाख 29,000 से अधिक रोगी से लाभान्वित हुए हैं और जिसमें से 2,770 गंभीर रोगियों को हायर सेंटर रेफर करके उनके उपचार की व्यवस्था की गई है और 11,80,000 से अधिक गोल्डन कार्ड भी आयुष्मान भारत के उपलब्ध कराए गए, गरीबों को उपलब्ध करवाए गए। 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को टेली मेडिसिन की सेवा से जोड़ा गया है। 361 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेली रेडियोलॉजी सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। 2017 के पहले प्रदेश के अधिकांश जनपद थे जहां कोई वेंटिलेटर नहीं था, कोई आईसीयू बेड नहीं। कोरोना ने 2020 में जब इसकी समीक्षा कर रहे थे तब भी 36 जनपद ऐसे थे, आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध है। और संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, ये सब बीमारियां असमय बच्चों को निगलती थी। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे उन जनपदों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों ने जान दी है। समाजवादी पार्टी 4 बार प्रदेश के अंदर सत्ता में थी, कभी उसने कभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, कभी नहीं लिया। फ्री दवा जो मिल रही है आज भी, वह माननीय श्री कल्याण सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे 1997 में, तब एक प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी कभी गई नहीं, देखने के लिए तक नहीं गई। ये जो मरने वाले 50,000 बच्चे थे, ज्यादातर बच्चे दलित समुदाय से और अल्पसंख्यक समुदाय से, उनके प्रति संवेदना कभी उनके मन में नहीं आई, कभी नहीं आई। जाति की लोग बात करते हैं, लेकिन एक गरीब, एक वंचित, एक गरीब, एक अति पिछड़ा व्यक्ति दवा के बहाव में कम तोड़ रहा था, लेकिन कभी उसका हाल लेने के लिए नहीं गए, सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं था। आज मैं कह सकता हूं हमारी टीम ने जो प्रयास किया, सभी विभाग मिलकर के कार्य प्रारंभ किया। प्रणाम है इनसे 96% मौत को नियंत्रित करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त कर ली है। हर विभाग ने अपना अपना काम किया, आज परिणाम सामने है। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण है। कालाजार और चिकनगुनिया के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया है और उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की चर्चा को दुनिया ने भी माना है, WHO ने भी, नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश की चर्चा की है।
उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का गठन किया और 18 से 22 के बीच में मात्र 3 वर्ष में हम लोगों ने 4500 करोड़ रुपए की बचत भी की और हॉस्पिटल में पहले से ज्यादा दवाइयां भी उपलब्ध करवाने का काम किया। महोदय मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत अलग अलग अभियान चले, इन अभियानों के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 7 मार्च, 4 अप्रैल, 2 मई 2022 में अभियान चलाए गए और इन अभियानों में 36,82,000 बच्चों को, 10,31,000 गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से आच्छादित किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में भी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अभियान चलाया गया जिसमें 7,13,61,000 से अधिक बच्चों को इससे लाभान्वित किया गया। और प्रदेश के अंदर अगर हम लोग 2016 की तुलना में देखेंगे, ये सर्वे भारत सरकार के हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 16 की तुलना में 19 में अगर आप देखेंगे मातृ मृत्यु दर 197 थी यह प्रति लाख और घट करके 19 में 167 रह गई। अभी 22-23 के सर्वे आने बाकी है। शिशु मृत्यु दर नवजात शिशु 30 प्रति हजार से घट करके 2020 में यह 28 हो गई। शिशु मृत्यु दर 43 प्रति हजार से 2020 में यह घट करके 38 हो गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15-16 की तुलना में 19-20 में उत्तर प्रदेश के अंदर संस्थागत जो प्रसव है 67% से घटकर के लगभग 84% हो गई।